हेलो गाइस हेलो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बुलबुल ब्लॉग एंड हो गया पे अभी की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के आठ बज गए हैं तो फिर अभी का मौसम दिखाती हूँ आप, आपको यहाँ का मैं आपको दिखाती हूँ अपने छत से यहाँ का मौसम एकदम मस्त मौसम और कहा है लेकिन आज तो धूप तो नहीं आ रखी है लेकिन थोड़ा ठंड ठंड सी और की है और सामने वाली पहाड़ी में देख सकते हैं कि पूरा धुंध लगी हुई है कुछ अभी फिलहाल ऐसा मौसम और कहा और यहाँ से हल्की हल्की धूप आने लगी है इस साइड से तो आज और कल बहुत ज़्यादा ठंड थी तो मौसम भी कुछ खराब खराब सा और है तो अभी तो फिलहाल ऐसा मौसम और ख है और अंदर चलते हैं देखते कि मम्मी किचन में क्या कर रही है अभी हमारा नाश्ता यहाँ पर होने लग गया है और आज है नाश्ते में मडवे की रोटी और इसमें थोड़ा सा घी बचा है इसमें है मेरा जीजी। दही जीजी। और इधर है सब्जी तो मम्मी मस्त तरीके से रोटी में रख के खा रही हैं और मम्मी की चाय उबल रही है यहाँ पर नहाने के लिए मेरा पानी गर्म हो गया मम्मी ने तो नहा लिया और मम्मी ने अपने कपड़े सर्फ में भी डुबो दिए हैं तो फिर मैं फटाफट से नाश्ता करते हैं फटाफट से खाना खाते हैं तो फिर अभी यहाँ पे को सासू मां लेके आई है घी और दिखाना जरा और ये है कितना है दो माड़ ये है दो माड़ घी तो फिर यहाँ अभी इसको पिघला रहे हैं और फिर मैं बाल्टी में लेके जाऊंगी तो फिर ये दो माड़ मतलब कितना होता है दो माड़ का कितना होता है दो पाव दो पाव मतलब आधा किलो।, किलो हाँ तो मेरी सासू माँ आधा किलो घी लेके आई है अब इसको चूल्हे में तो पिघला नहीं रहेगी मम्मी बोली कि घी ख़राब हो जाता है पिघला के तो इस कंटर में रखते थोड़ी देर पिघलाने के लिए तो देखते भी थोड़ी देर में पिघल जाएगा घी गाय का है ना भैंस का है भैंस का तो एकदम घी बड़ा टेस्टी टेस्टी एकदम यम्मी यम्मी सा हो रहा है यहाँ पर अभी दिन के खाने की तैयारी हो रही है और यहाँ पर राजमा और क्या ये भट मम्मी इनको कुट्टू कुट्टू करके मतलब इनको पीस के दाल बनाएंगी और ये है शिलबट्टा बड़ा इसको क्या बोलते हैं बट्टा बोलते हैं ना पीसने लोडा और ये सिलब्टा ये ना इसको लोड़ा और सिलबट्टा है और ये मम्मी बोली इसको आठ सौ रुपये में लेके आए थे कहाँ से लाए थे नीचे बगर के से बगर के आठ सौ रूपये में लाए थे लोग जिसने बनाया वही लाया मैं अच्छा तो ये पत्थर वहा यहाँ बनवाया गया है आठ सौ रूपये में तो बड़ा खतरनाक तरीके से पीस रहा है ये तो देख सकते हैं मस्त तरीके से पीस रहा है इसमें <laughs> तो फिर अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए हैं और अभी हमारा खाना पीना भी बन गया है और आज खाना पीना बन गया है और आज मौसम देख सकते कि पूरा मौसम जो है काला काला सा हो रखा है तो मैं आपको सबसे पहले मौसम दिखाती हूँ ठीक है तो फिर अभी आप यहाँ का मौसम देख सकते हो उधर को ऊपर को पूरा जंगल जो काला काला सा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि बारिश शाम तक या फिर बर्फ बर्फ़ पड़ने की संभावना है तो अभी देखते हैं फिर कैसा होता है शाम तक तो फिर इधर को भी देख सकते हैं मौसम पूरा ख़राब और थोड़ा सा नीचे को वहाँ को धूप आ रखी है बाकी इधर को पूरा मौसम जो है काला काला सा और है तो कुछ बारिश की संभावनाएं हैं भी तो फिर अब किचन में चलते हैं और देखते हैं की कि मम्मी किचन में क्या कर रही है और आज तो बहुत ज्यादा ठंड है तो आज हम किचन में बैठ के खाना खाएंगे तो यहाँ पर मम्मी ने खाना पीना बना के रेडी कर दिया भाई तो आज है हमारे खाने में मठा तो रोज ही पी रहे हैं। मठा हो गया चावल बना रखे और आज घी हुई है उस वाले कटोरे में तो इधर मम्मी ने मस्त वाली दाल बना रखी है क्या बना रखी है क्या बोलते भट्ट की और राजमा की कुट्टू बना रखी है मतलब पीस के तो अभी यहाँ पर चूल्हा जला रखा है मस्त तरीके से और बाहर से मौसम जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रखा है शाम तक बारिश हारिस बर्फ बर्फ़ होगी ना hmm. देखते फिर शाम तक क्या होता है मौसम चलो फिर हम लोग फटाफट से खाना पीना खाते हैं मस्त तरीके से फिर मिलेंगे अभी आपसे थोड़ी देर में और आज का खाना हमारा ये है मस्त तरीके से दाल और चावल अभी यहाँ पे को सासू माँ जो है पिनालू साफ कर रही है मेरे लिए गैर शैंड ले जाने के लिए तो इनको बिल्कुल साफ करके छील के इनको धो धा के मेरे लिए पैक कर देंगे फिर मैं इनको गैर शेण लेके जाऊंगी और थोड़ा यहाँ पर भी साफ कर रखे हैं इनको भी लेके जाऊंगी क्या इनको भी लेके जाऊंगी तो अभी यहाँ पर इनको साफ करके इनको पैक कर देंगे अभी उधर भी उखाड़ के रखे हैं तो अभी इधर को दिखाती हूँ यहाँ पर बैठी हुई ये मुर्गियाँ मस्त तरीके से भात खा रहे हैं ये लोग और यहाँ पे को गाय इन बेचारों को भी ठंड लग गई है देखे हैं इनको भी ठंड ठंड लग गई बच्चिया को भी तो आज मौसम कुछ खराब खराब सा और है पता नहीं बर्फ़ पड़ती है बारिश होती है पता नहीं क्या है तो अभी तो फिलहाल मौसम छीटे भी आ गए बारिश के छीटे आ गए हाँ तो अभी कुछ बारिश के छीटे भी आने लगे हैं तो मौसम कुछ गड़बड़ सा हो गया है तो भी देखते हैं फिर बारिश होती है या बर्फ़ पड़ती है तो भी दिखाएंगे आपको ब्लॉग के माध्यम से तब तक तो हम फटाफट से पिनालू हिनालू साफ करते अगर बारिश आ गई तो हम भी भीग जाएंगे तो फिर अभी यहाँ का मौसम देख सकते हैं एकदम भयंकर तरीके से बारिश लगी ऊपर पूरे ऊपर को वहाँ हल्के हल्के बर्फ भी पड़ने लगी पूरा मौसम जो है काला काला सा हो गया है और अभी यहाँ को भी देख सकते पूरा मौसम बहुत ज्यादा बारिश होने लगी है और ऊपर पहाड़ों में तो वहाँ बर्फ़ पड़ने लगी हल्का हल्का दिख रहा होगा वाइट वाइट कलर का तो वहाँ तो बर्फ़ पड़ने लगी है तो अभी तो फिलहाल मौसम ऐसा हो रहा था और अभी हम लोगों ने भगड़ जाना था देखते हैं फिर कितनी महंगा बारिश होती है तभी भगड़ जाएंगे नहीं तो नहीं जाएंगे और देखते फिर भी शाम तक बर्फ़ पड़ती ही नहीं पड़ती है और यहाँ पे वो ईजा ने काट दिया पूरा पालक घास के तरह दराती से कट्टे में भर दिया है मस्त तरीके से तो अब हमारी तैयारी हो रही है भगड़ जाने की तो अब हमारी तैयारी हो रही है भगर जाने की और अभी तक बारिश हो रही थी अब नीचे को उस साइड को देख सकते हो पूरा धूप धूप सा आ गया है तो अब हम लोग निकलते हैं भगर को <laughs> चलो नीमा भाभी <laughs> नीमा भाभी नीचे खड़ी है भी हम लोग हो चुके हैं रेडी और अभी टाइमिंग हो रही है पाँच बजने वाले हैं साढ़े चार से ऊपर हो गया टाइम पाँच बजने वाले हैं तो फिर चलते हैं और यहाँ धूप भी आ गई है इधर को मम्मी ने लगा दिया है ताला अब चलते हैं अपने घर की ओर अब सीधे निकलेंगे हम भगर फिर कल जाना है हमने भराड़ी तो फिर आज का मौसम कुछ ऐसा है लास्ट बार देखने को मिलेगा यहाँ का मौसम तो अब तो धूप भी चली गई है तो एकदम तो मस्त मौसम हुआ था बारिश भी लगी हुई थी हल्की हल्की लेकिन अब बादल लगे हैं वाइट वाले तो फिर अब चलते हैं देरी भी हो रही है एक बैग है एक बैग कंधे में है और दो कट्टे उधर है हरी सब्जी के और ये पापड़ की थैली है तो फिर चलते हैं हम भी हो गए रेडी चले है चलो फिर हम भी चलते हैं चलो फिर बाय <गला <देखे> <गला <गारेकिणा> है? है। हाँ यहीं से यहीं से जाएंगे आप कब आओगे जल्दी आना चलो फिर बाय हाँ। बाय अब हम लोग जाने लगे हैं यहाँ से सीधे भगत और आज हम जाएंगे गांव के रास्ते तलाची रानी से होते हुए जा आज हम से होते हुए जाएंगे तो अभी हम लोग यहाँ पर सबसे मिले नीमा भाभी से भैया लोग उसे चांदनी लोग सबसे मिल के आगे हैं तो अभी हम आज हम जाएंगे तल्ला चिरानी से तो आपको यहाँ का गांव दिखाएंगे तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं तल्ला चिरानी और ये है तल्ला चिरानी सीधे वहां नीचे सामने पे दिख रहा है भगर यहाँ पे को भगर दिख रहा है और दोनों हम यहाँ से आते थे इस साइड से रो रोड ही जाते तो बहुत दूर पड़ता था आज हम सीधे यहाँ से गांव के रास्ते जाएंगे तो हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे तो अभी आपको यहाँ का रास्ता भी दिखाएंगे और व्यू भी दिखाएंगे मस्त वाला ये वाला रास्ता भी जो है ये वाला रास्ता भी जो है पूरा सी सी मार्ग वाला है लेकिन ये पूरा जंगल जंगल वाला जंगल है रास्ता है मतलब सॉरी तो यहाँ रात को नहीं आते होंगे ना इस रास्ते से रात को डर लगती होगी अकेले तो ये थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता बाकी तो अच्छा है क्योंकि पूरा हाँ सीसी मार्ग वाला रास्ता है पूरा ये खड़नचा टाइप का बना रखा है लेकिन यहाँ का जंगल जो है बहुत बड़ा है जंगल यहाँ बाघ आग भी तो आते होंगे यार इधर को बाघ भालू सब आता, आता, है, आता है।, है इस जंगल में क्योंकि इधर को कम घर हैं तो इसलिए पूरा जंगल वाला एरिया भी है ये है यहाँ पे को घट तलासी रानी में और एक घट हमारा हमारा पर्सनल घाट उधर है नीचे यहाँ पर से दिखाती है जूम करके तो यहाँ पर है ये घर चलते हैं ये वाले घाट चलते हैं ये वाला घाट भी चलता है और ये है नीचे नदी तो यहाँ से नदी है अब यहाँ से हम लोग सीधे ऊपर 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 निकलेंगे तो फिर अभी हम लोग यहाँ से इतनी जल्दी पहुँच गए अभी हम रोड के रास्ते जाते तो अभी ऊपर ही होते तो ये शॉर्टकट रास्ता है गांव का तो फिर अभी हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं जल्दी से तो फिर गांव में इस तरह के से लोगों को जाना पड़ता है नदी पार करके और जब बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो और ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे को तो इस तरह के से नदी पार करके जाना पड़ता है बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि नदी पूरी की पूरी फुल हो जाती है इसलिए यहाँ पर दिक्कत होती है यहाँ का छोटा सा रास्ता लोकल रास्ता तो पहले यहाँ पर रास्ता था अब जो ख़राब हो गया थोड़ा थोड़ा तो यहाँ पर से इस तरीके से हम जाएंगे इधर को तो इस तरीके से रास्ता है और पतला सा रास्ता है ऊपर से पूरा पहाड़ पहाड़ है तो, तो देख सकते कि यहाँ के लोग कितना ज़्यादा मेहनत करके चलते हैं और पूरा पहाड़ भी दिख रहा है और पतली सी रास्ता है और सीधे नीचे खाई दिख रही है नीचे नदी दिख रही है यहाँ से तो ऐसा कुछ है यहाँ का हाल तो ये है हमारा जंगल पूरा घना घना जंगल अभी हम लोग जो आए थे ना तो यहाँ से आए थे जो घर दिख रहा छोटा सा दिख रहा ना यहाँ पर ये इस घर के ऊपर से आए थे तो हम इतनी दूर से यहाँ पहुँच गए हैं अभी तो फिर अब चलते हैं नीचे को वरीना की ओर तो मम्मी तो आगे को चली गई है और आज बैग जो है बहुत भारी हो गया है दो थैले मेरे पास हैं दो थैले मम्मी के पास हैं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है अब चलते हैं अभी हम लोग पहुंच गए हैं गांव के रास्ते और अभी हम गा लो हम लोग गाँग यहां गा से सीधे गांव गांव जाएंगे और इधर देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से घास के लूटे लगा रखे हैं एकदम बढ़िया तरीके से तो जो काफी मस्त लग रहा है अभी हम लोग पहुंच गए हैं वरीना और इधर देख सकते हैं कि पूरा सरसों सरसों बोर के ऊपर वाले घर से लेके नीचे तक जो यहाँ पर से घर दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा सरसों सरसों बोर का पूरा खेत पीला पीला दिख रहा है जो काफी मस्त दिख रहा है एकदम और काफी सुंदर दिख रहे है यहाँ पर को सर को आप देख सकते हैं कि पूरा खेतों में सरसों सरसू बोरखा है बस इसमें सिर्फ पानी की कमी और की है कहीं कहीं पर पीले पीले से औरक कहीं कहीं पर वाइट वाइट से और हैं लेकिन सरसों एक एकदम मस्त वाली लगी हुई है थोड़ा सा पानी की दिक्कत है तो यहाँ अगर पानी पड़ जाएगा तो पूरा का पूरा हरा हरा, हरा हो जाएगा और ये नींद तो अभी जल्द से सूखने लग गए व्हाइट वाइट से हो गए हैं कुछ कुछ सरसों तो हम लोग भगर पहुँच गए हैं और ये है भगर दीदी का घर तो फिर अब हम चलते हैं सीधे सामने दीदी के घर में अभी हम लोग पहुंच गए हैं भगर और दीदी के वहाँ पहुँच गया काफ़ी ज़्यादा हालत खराब हो गई है पसीना पसीना हो गया है और देखते हैं अंदर दीदी क्या बना रही है आज ये किसकी अलमारी यार की है अच्छा। दे दो यार और यहाँ पर दीदी क्या बना रहे हो अच्छा दीदी मैगी बना रही है वहाँ पे को बन रही है दीदी की अब गर्मा गर्म पूरी और दीदी की पूरी बनने लगी लग हैं और इसमें रख दी हैं बना के और इधर बन रही है दीदी की सब्जी और मम्मी सेक रही है यहाँ पर अपना पीठ मम्मी के कपड़े हो गए हैं गीले गीले और यहाँ पर दीदी की पूरी बन रही है यहाँ पर रखा है दीदी ने आटा तो फिर अभी हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है तो अभी हो गया टाइमिंग सात बज गए हैं तो चलो फिर मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त तो करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट सभी को